हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना ने करा दी है FIR। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी हदें पार कर दी थी। उन्होंने इतना गंद फैलाना स्टार्ट कर दिया था सोशल मीडिया पे सपना के लिए कि उसको मजबूरन FIR करानी पड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हुई हैं। जब से राजवीर जी गए हैं इस दुनिया से, तब से ही सपना के लिए फेक पेजेस बन चुके थे। और सपना अकेली क्या ही कर सकती थी उस टाइम, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ ही एक तरीके से पूरी ख़त्म हो गई थी। वो अपनी लाइफ को ही नहीं संभाल पा रही थी। उसके पास दो छोटी बच्चियां थी, फिर सास ससुर की जिम्मेदारी थी, एक घर की पूरी जिम्मेदारियां थी। तो वो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी सोशल मीडिया पे, कि लोग सोशल मीडिया पे उसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें हो गई थी। वो उससे उभरने में ही उसको वक्त लग रहा था। क्योंकि देखिए, एक जो लड़की है जिसकी एज अभी इतनी ज़्यादा है ही नहीं, वो खुद इतनी समझदार नहीं है, उसके उस एज में वो दो बार इन सब दुखों से गुजर जाए तो उसके ऊपर क्या ही बीतेगी। फिर उसे अपने साथ साथ अपनी दो छोटी बच्चियों को भी संभालना पड़ रहा था। तो उसी वक्त कुछ लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और सपना के नाम के जो फेसबुक है उस पे पेजेस बना लिए। अब उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि सपना को तो भाई अपना आगे काम जो था वो बढ़ाना ही था। उसकी वीडियो उठा उठा के वो कॉपी पेस्ट करते थे फेसबुक के ऊपर और अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे वो। तो सपना ने बताया कि मेरा कोई भी फेसबुक पे पेज है ही नहीं, मैंने कोई अपना फेसबुक पे पेज बना ही नहीं रखा है। अब सपना की ही फ़ोटो लगी हो और सपना की ही उस पर वीडियोज़ आ रही हो तो कौन देखना पसंद नहीं करेगा। जो लोग सपना से जुड़े हुए हैं, सपना को पसंद करते हैं, उसकी लाइफ देखना चाहते हैं, तो भाई वो फेसबुक पे भी उसे देखना पसंद करेंगे। तो लोग देखते थे, उन्हें क्या पता है कि इसकी जो ऑनर है, जो उसको संभाल रही है उस चैनल को, वो सपना नहीं है। लोग देखते थे उसी तरीके से, कमेंट्स आते थे, लाइक आते थे, तो जो सारा रेवेन्यू था वो मिल रहा था उस थर्ड पर्सन को जो ये सब कुछ कर रहा था। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने ऐसे गंदे गंदे थंबनेल बनाने स्टार्ट कर दिए, ऐसे गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया जब से ये कंट्रोवर्सी उसकी लाइफ में दोबारा से स्टार्ट हुई। उन्होंने ऐसा फ़ायदा उठा लिया कि सपना तो अकेली है, बेचारी है, क्या ही कर पाएगी। जब उसने पहले कोई एक्शन नहीं लिया, जब उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो वो अभी भी क्या ही करेगी। लोगों ने उसके लिए बहुत गंदा गंदा बोलना स्टार्ट कर दिया। अरे ठीक है, आपका रिएक्शन चैनल है, आप रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन किसी के लिए इतना गंदा बोलना कि जो इंसान ठीक से अपनी लाइफ जी रहा है उसे आप इस दुनिया से ख़त्म कर दो। पता नहीं लोग कहाँ से फ़ोटोज़ निकाल के लाते थे और उसकी बच्चियों के लिए कि वो मर गई हैं, इतनी गंदी गंदी बातें मतलब बोलना, सपना के लिए बोलना, उसके ससुर जी के लिए बोलना, अंशु के लिए बोलना, इतना गंद फैलाना स्टार्ट कर दिया था। और जब लखन आए सपना की हेल्प के लिए, तो इन दोनों के कैरेक्टर पे ही उंगलियां उठाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब लोगों का क्या ही कहें, थंबनेल इतने गंदे सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कि हमारे पास व्यूज़ आ जाएं। तो आप कभी अपने लिए इस तरीके के थंबनेल लगा के भी यूज़ करो ना वीडियो कि हम मर गए। आप अपने लिए देखो कितने लोग आपको देखना चाहेंगे। आप किसी इंसान के लिए इतना गंदा बोलना स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन इस बार सपना ने ले लिया है एक्शन उन लोगों के ऊपर जो बहुत ही घटिया सोच रखते हैं और सिर्फ व्यूज़ के लिए सब कुछ करते हैं। और इस बार उनका साथ दिया है लखन ने, जो इस बार कहते हैं ना कि इस वक्त सही वक्त पे भाई बना के भेज दिया भगवान ने लखन के रूप में भाई को। और सपना ने थोड़ी हिम्मत भी मिली सपना को। सपना ने जैसे बताया कि मुझ में पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि इतनी सारी लाइफ में जो पर्सनल चीज़ें चलती हैं अपनी, तो इंसान सोशल मीडिया तो एक तरीके से सोचता है ना कि अरे इसको देखूं या अपनी पर्सनल लाइफ को देखूं। तो सपना में हिम्मत जगाई लखन ने और नीतू ने, दोनों ने इसको इतना मोटिवेट किया और उन लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जो ये सब कुछ घटिया काम कर रहे थे। एक चैनल था, जब उसको बोला गया कि भाई तेरे लिए अब FIR करूँगी, जब सपना ने बोला तो उसने शायद डिलीट कर दी या
प्राइवेट कर दी थी इन सब चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे गंदगी मचानी स्टार्ट कर दी थी। और ये सब चीज़ें ज़रूरी भी थी, क्योंकि आप कैसे किसी के लिए इतना गलत बोल सकते हो? आपको किसने हक दिया कि आप किसी के लिए इतना घटिया घटिया चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलाओ? तो सपना ने कर दी FIR, अब बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि उसका क्या एक्शन और रिएक्शंस निकल के आते हैं, कि क्या होने वाला है आगे। वो सपना अपने व्लॉग्स में बता ही देंगी कि आगे कार्रवाई कितनी बड़ी है और उसका रिजल्ट क्या निकला है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।